प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिकी दौरे के तहत व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं। व्हाइट हाउस पहुंचने पर राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। व्हाइट हाउस के गेट पर बाइडेन दंपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत किया उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कितने कंफर्टेबल, कितने सहज दोनों ही नेता नजर आ रहे हैं। आज पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निजी मेहमान हैं। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच दोस्ती का नया इतिहास लिखा जाएगा। व्हाइट हाउस में स्वागत की तस्वीरों में आप इन दोनों ही नेताओं को देख सकते हैं, कैसे सबसे पहले जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने उनकी कार के पास पहुंचे, उसके बाद उनसे हाथ मिलाया, उनसे बात की, उनके कंधे पर हाथ रखा और उसके बाद उन्हें अपनी पत्नी और यूएसए की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के पास मुलाकात के लिए ले गए। देखिए तीनों की बॉडी लैंग्वेज कितनी कंफर्टेबल, कितनी सहज नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क से जब वॉशिंगटन डीसी पहुंचे तो उस वक्त की 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। व्हाइट हाउस में पहुंचने के बाद किस तरह से उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ, उसके बाद फर्स्ट लेडी साइंस इंस्टीट्यूट उन्हें लेकर गई वर्जीनिया के, वहां पर दोनों के बीच बातचीत हुई और एक ज्वाइंट एड्रेस हुआ। साथ ही बच्चों से भी भारत और अमेरिका के मूल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया। जब वॉशिंगटन डीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे और वहां से अपने होटल की तरफ जा रहे थे तो होटल के बाहर भी अप्रवासी भारतीयों की भीड़ नजर आई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए आतुर थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन लोगों को निराश भी नहीं किया, बच्चों के बीच भी वो पहुंचे, कारोबारियों से मुलाकात हुई और कई द्विपक्षीय वार्ताएं भी हुई। व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्जीनिया के नेशनल साइंस फाउंडेशन के कार्यक्रम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन उनके साथ रही। यहां भारतीय मूल के बच्चों के साथ अमेरिकी छात्रों को भी शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों मूल के छात्रों से बात की। तो ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब नेशनल साइंस फाउंडेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के साथ पहुंचे और दोनों ने ही ज्वाइंट एड्रेस में मीडिया को संबोधित किया और किस तरह से साइंस के क्षेत्र में दुनिया आगे बढ़ रही है और जो बच्चे हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं उसको लेकर चर्चा हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान मीडिया को एड्रेस भी किया। वॉशिंगटन में भी बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। इसके अलावा वर्जीनिया जब वो नेशनल साइंस फाउंडेशन पहुंचे तो पहले पूरा नेशनल साइंस फाउंडेशन का दौरा दोनों ने ही किया, उसके बाद भारतीय और अमेरिकी मूल के बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। उस वक्त की तस्वीरें जब वर्जीनिया नेशनल साइंस फाउंडेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के साथ पहुंचे थे और उसके बाद एक ज्वाइंट एड्रेस भी इस दौरान हुआ। तो ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। अमेरिका दौरे का एक अहम पड़ाव खत्म होने के बाद अब दूसरे अहम पड़ाव की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेकेंड पड़ाव की शुरुआत हो चुकी है। आज जब वो न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन डीसी पहुंचे तो उन्हें एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहां पर हालांकि भारी बारिश हो रही थी लेकिन भारी बारिश के बीच उनका गर्मजोशी और भव्य तरीके से स्वागत किया गया। उसके बाद फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के साथ वो नेशनल साइंस फाउंडेशन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का आज का दिन सबसे अहम है। आज पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में औपचारिक स्वागत होना है। दोनों देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत होनी है। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्टेट डिनर दिया जाएगा। लेकिन सबकी नजरें मोदी के उस भाषण पर टिकी हुई हैं जिससे पीएम मोदी इतिहास रचने वाले हैं। Mr. Speaker, the Prime Minister of the Republic of India. एक बार फिर दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के मंदिर में पीएम मोदी भारत और अमेरिका के रिश्तों का नया अध्याय लिखेंगे। अमेरिकी कांग्रेस की यही बिल्डिंग होगी, तालियों से गूंजता ऐसा ही माहौल होगा और ऐतिहासिक दूसरी बार पीएम मोदी अमेरिकी संसद को फिर संबोधित करेंगे। इन ग्रांटिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी यू हैव ऑनर्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड इट्स 1.25 बिलियन पीपल। As a representative of world's largest democracy,
It is indeed a privilege to speak to the leaders of its oldest. पिछले 9 सालों में 11 देशों की संसद को संबोधित करने वाले पीएम मोदी आज एक बार फिर अमेरिकी संसद के मंच पर होंगे। ये तस्वीरें साल 2016 की हैं, जब पीएम मोदी ने पहली बार अमेरिकी संसद को संबोधित किया था। उस वक्त जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, आज बाइडेन बतौर राष्ट्रपति पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं। पिछले 7 सालों में पीएम मोदी और जो बाइडेन की केमिस्ट्री कितनी मजबूत हुई है, ये पूरी दुनिया ने देखा है। एक दो बार नहीं, बल्कि कई बार सार्वजनिक मंचों पर प्रोटोकॉल को धता बताते हुए बाइडेन पीएम मोदी से मिलने उनकी कुर्सी तक चलकर आए, उन्हें गले से लगाया। आज बाइडेन व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं। आज का दिन सबसे खास रहने वाला है। आज भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस पहुंचेंगे, जहां लॉन में उनका आधिकारिक स्वागत समारोह होगा। इस दौरान पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच का वक्त भारत और अमेरिका के नेताओं की द्विपक्षीय बातचीत के लिए रखा गया है। इस दौरान दोनों नेता बयान भी जारी कर सकते हैं। इसके बाद भारतीय समय के मुताबिक रात 12:30 बजे पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे। अमेरिकी समय के मुताबिक आज दिन का आखिरी कार्यक्रम होगा व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के सम्मान में स्टेट डिनर, जिसके लिए विशेष तैयारी की गई है। ये स्टेट डिनर कितना खास होने वाला है, इसकी अहमियत का पता इस बात से लगता है कि अमेरिका के फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने अपने हाथों में इसकी कमान ली हुई है। हर टेबल पर केसरिया फूल होंगे, वही केसरिया रंग जो भारत के तिरंगे में है। ये मेन्यू कार्ड है। व्हाइट हाउस में स्ट्रीट डिनर अपने आप में खास है, क्योंकि इसमें केवल खाना ही नहीं है, इसमें अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया से बेहद खास मेहमान होंगे। डिनर के दौरान ग्रैमी पुरस्कार विजेता अमेरिकी वायलिन वादक और कंडक्टर जोशुआ बेल अपनी प्रस्तुति देंगे। पीएम मोदी के सम्मान के लिए अमेरिका ने क्या तैयारी की है, इसे बताने के लिए खुद फर्स्ट लेडी मीडिया के सामने आई। But our relationship isn't only about governments. We're celebrating the families and friendships that span the globe, those who feel the bonds of home both in both of our countries. As some of you may know, Prime Minister Modi is a vegetarian. So we asked Chef Nina Curtis, a plant-based pioneer, to work with our White House chefs and create a stunning vegetarian menu. Guests will have the option to add fish to the main course as well, if they choose. Tomorrow night, guests will walk across the South Lawn into a pavilion draped in rich greens with saffron-colored flowers at every table, the colors of the Indian flag. डिनर से 24 घंटे पहले बाकायदा डिनर के मेन्यू को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। वो डिशेस दिखाई गई जो परोसी जानी है। चीफ शेफ ने बताया कि आज रात को खाने में मिलेट से बने हुए भोज भी शामिल होंगे। For the first course, we will be highlighting the millet, since it's the year of the millet, is what Carlos and Chef Nina alluded to. This is the year of the millet, and millet is such a wonderful grain, because first of all, it is climate good, because it doesn't need as much water to really cultivate it, and it has a lot of really wonderful health benefits. So if I would really want to eat healthy, millet is the thing for me. So what Chef Nina and I have kind of alluded to is that we did a wonderful marinated millet salad highlighted with a Maryland silver corn. We're in Maryland as well, so, and also some wonderful compressed watermelon that's local, that's compressed. So it really gives it a really wonderful sweetness, and it's highlighted with a tangy avocado vinaigrette that's really encapsulates the whole flavor in it. आज दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात में बहुत कुछ खास होने वाला है, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हैं। दोनों देशों के बीच कई डील आज लॉक होने वाली हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान के मुताबिक दोनों देशों के बीच रूस यूक्रेन युद्ध के शांति प्रस्ताव पर बातचीत होने की संभावना है। हिंद प्रशांत महासागर में भारत की मजबूती और सुरक्षा पर अहम बातचीत हो सकती है। रक्षा सौदों को आखिरी रूप दिया जा चुका है।
दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत के दौरान इस पर दस्तखत हो जाएंगे। अक्षय ऊर्जा और स्पेस प्रोग्राम में सहयोग को लेकर बातचीत हो सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।